Now we move into our Mojarto segment where we meet two very interesting artists. One is a painter and the other one is a sculptor. Now both of them are inspired by nature and use it in different ways in their artwork, be it the materials, be it imagery. So let's take a look at their works. Having gone through the experience of buying a possibly counterfeit work of art, Sunaina wanted to create a democratic and easy space for artists and buyers alike. Vernssage is a platform wherein we give space to everybody. So we don't have a hard and fast criteria. You know, we just want to introduce the talent to the world. Vision is that we want to bring art into the world, which we are doing, but we want to do it on a much bigger scale. But thanks to online portal like Mojarto, through which we've been able to reach to various people who live in various parts of India, not only India but also abroad. ये गैलरी सुनैना मगन जो है वो इसको चला रही हैं और ये बहुत अच्छी इंसान है और मैं जितनी इनसे बात करती हूँ इतना इनके नज़दीक आती हूँ क्योंकि मैंने इनसे कुछ ऐसे ही जिक्र किया था कि मुझे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है मैं किसी गैलरी से नहीं जुड़ना चाहती सब चालाक लोग हैं गैलरी फेक हैं और बहुत टॉर्चर करती हैं लेकिन जब इनसे मैंने बात की एक बार मेरे शो में आ गई मैं मेरा शो एक विजुअल आर्ट गैलरी में था तो ये देखने अचानक आई और जब इन्होंने मुझसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे ये मेरे स्टूडियो भी गई और मैं कब कैसे इनसे जुड़ गई मुझे नहीं पता लगा और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ऐसे से शो कर रही हूँ तो मैंने कहा ठीक है मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गई Having shared similar experiences, it was but natural for Sabia and Sunaina to work together. I'm a big fan of Ramachandran what I know about Ramachandran is that a lot of new buyers, new entrants would not be able to afford Ramachandran. So I was looking for somebody who works on lines of Ramachandran. I wasn't looking for somebody who can copy his work, but I was looking for somebody who's a student, whose guru is Ramachandran, and I end up meeting Sabia. Sabia's work is beautiful. She used bright colors, then she has these birds, lovely trees, what Ramachandran also does. Her works are great. मुझे बचपन से ही शौक था पेंटिंग करने का मैं फर्स्ट क्लास में थी तो मैंने ड्राइंग्स वगैरह करना शुरू किया करती थी काम एट्थ क्लास में एक टीचर थी नईमा मैडम जो कि अब नहीं है उन्होंने मुझे कहा कि आपके हाथ में वो हुनर है जो खुदा किसी किसी को देता है आप बीएफए करना बीएफए का फुल फॉर्म नहीं मालूम था मुझे जब मैंने टेंथ और ट्वेल्थ करने के बाद में मैं बीएफए करने के लिए कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा तो वहाँ जाके मुझे मालूम हुआ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा मुझे लगा जैसे मेरी मंजिल मिल गई मेरी मदर दुकान चलाते थे दुकान थी मेरी उन्होंने इतनी मेहनत की इतना कुछ किया और वो काम करते थे तो उन्हीं की वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गई कि मैंने मुझे कुछ करना है इनके लिए With the intent to help support her mother, Sabia started to paint the world around her. Coming from a conservative background, Sabia's paintings often reflect the lives of the women around her. मैं सीरीज में काम करती हूँ शुरू से ही मैंने जैसे विंडोज मैंने बनाई हैं विंडोज के बाद में फिर ना पर्दे पे मैंने काम किया है विंडो से लड़की झांक रही है और मैंने कर्टन काफ़ी बनाए पर्दे काफ़ी बनाए और उसके बाद मुझे लगा लड़की बाहर आनी चाहिए स्पेस होना चाहिए आज़ाद होना चाहिए तो मैंने उस तरह लड़की को बाहर दिखाया Her latest series is inspired by the number 108. A number that many consider to be auspicious. उसके बाद में फिर
लगा कि अब काम में कुछ और चेंज आना चाहिए. अब मुझे नहीं मालूम, नेचर तो मैं पहले भी करती थी, लड़कियाँ बाहर दिखाती थी, ट्री दिखाती थी, झूला या ये सारी चीज़ें दिखाती थी. उसके बाद कैसे मैं बर्ड्स में आ गई, बर्ड्स बहुत ज़्यादा बनाने लगी. फिर 100 को लेके मैं काम कर रही थी, तो एक आर्टिस्ट हैं अमित पटेल, उन्होंने मुझे सोचवाया कि 108 को लेके काम करना, तो 100 को लेके क्यों करती है. तो फिर 108 बर्ड्स, 108 गिलहरियाँ, 108 बटरफ्लाई, 108 हिरन, 108 फूल, ये सब मैं बनाना शुरू मैंने कर दिया. और 8 साल हो गए मैं लगातार नेचर पे काम कर रही हूँ. Vivek Prasad is not your regular artist. With a PhD in chemistry, art was the last thing on his mind. A self-taught sculptor, Vivek tries to depict the complexities of human life and emotions in his pieces. बचपन में एक टूटा हुआ गणेश की मूर्ति से मिट्टी निकाल के कुछ बनाना शुरू किए, तब लगा कि अपने हाथ से कुछ बनाया जा सकता है. सिर्फ खरीद के कलाकृति घर में नहीं आ सकता है, हाथ से भी बनाया सकता है. उसके बाद चूँकि माहौल के अगल बगल कोई कला का, देयर वॉज नथिंग लाइक आर्ट इन द सोसाइटी इन हाउस, मेरा एक जर्नी चलता गया, एकेडमिक लाइफ एक साइड और कला एक साइड. His love for experimentation can be attributed to his formal education. मेरा काम का जो मीडियम है, नॉर्मली हम मेरा ये चूँकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री था, तो इन्वायरमेंटल के जो सब्जेक्ट थे जिसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट ये सब की बात होती थी, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेडिशनल मीडियम छोड़ के एक ऐसा मीडियम चुना जाए जो बहुत इको फ्रेंडली हो, बायोडिग्रेडेबल हो, वेस्ट से निकला हो और रिसाइकल्ड हो. तो इस सारे चीज़ को जब टेस्ट करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो देखा कि पेपर पल्प इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीडियम फॉर मी. पर काम हेड को लेकर है, क्योंकि हम जब भी किसी से फेस टू फेस होते हैं तो सबसे पहले हेड ही सामने आता है, उसका एक्सप्रेशन आता है, उसका फीलिंग्स आता है जो हेड से रिफ्लेक्ट होता है. तो मेरे पास शायद आधे से ज़्यादा काम हेड को लेकर है. हेड का जो नॉर्मल सिर्फ हेड का स्ट्रक्चर नहीं, उसकी इनर फीलिंग को भी ड्रामेटिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया कई सारे चीज में. While observing the world around him, a narrow wall, small windows, or wide cityscape often remain in his thoughts. His art is a result of these reflections. Those who are featured artists of this week, you can take a look at their works on www.mojarto.com.